नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो गाइस, ये है चूड़ी गली, अंजही गली। वहाँ पे काफ़ी सारी चूड़ी भी मिलती है और कॉस्मेटिक सामान भी सारा मिलता है। तो ये गली भी कई बहुत ज़्यादा बड़ी है, कई गुना बड़ी है और कई इस तरफ मुड़ी हुई है और कई तरह का यहाँ सामान मिल जाएगा, हर तरह का मिल जाता है गाइस। तो गाइस, मैं अभी यहीं पे हूँ और तो गाइस, ये है चूड़ी गली की चूड़ी, जो कि रंग बिरंगी कलरफुल की बहुत सारी हर तरह का आपको चूड़ी मिलेगी। और यहाँ की मैं सिर्फ एक गली गई हूँ, 5-6 गली है इस गली में और सारी चूड़ियों की है। और ये देखिए जी, यहाँ पर इसकी गिफ्ट की शॉप भी थी, मैंने बहुत देखा। तो गाइस, रश काफ़ी है यहाँ पर और अच्छा भी काफ़ी लग रहा है। तो गाइस, ये यहाँ की हर वैरायटी है और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप अगर कहीं कॉस्मेटिक की भी दुकान देखते हैं तो चूड़ियों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है और बाकी तो ज़्यादातर देख सकते हैं के लिए ये खास है चूड़ी गली। और इतनी बड़ी मैं बता रही हूँ, बहुत बड़ी है, ये एक दिन में भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा चलिए जो भी है मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, दिखाती हूँ। और यहाँ पर कहाँ कहाँ की नहीं मिलती है, हर तरह की, हर तरफ की आई हुई चूड़ियाँ। में आप लोग को किसी भी फैशन की अगर चाहिए, देख रहे हैं ना, अगर कोई अंडरग्राउंड भी शॉप है तो वहाँ पर भी सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं और ऊपर भी चूड़ियाँ, बाहर भी चूड़ियाँ सारी लगी हुई है हर तरह की। और यहाँ पर पार्लर भी है गली के अंदर और लेस वगैरह भी मिल जाती है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अवेलेबल रहती पर चूड़ियों के साथ अवेलेबल रहती है और हर तरीके की चीज़ें आप लोग को मिल जाती है। अभी तो मैं सिर्फ एक ही गली का विज़िट करके आप लोग को दिखा रही हूँ। ये खाली भी चूड़ी की है और काफ़ी बड़ी है, मैं तो एक साइड खाली गई हूँ, दूसरी साइड अभी आप लोग को नहीं दिखाया है, दिखाऊंगी कभी ज़रूर। तो गाइज़, मैं गली के बाहर वाले साइड में आ गई हूँ, जो कि इधर भी आपको मार्केट ही मार्केट दिखाई देगी। और इस मार्केट में हर तरह का देख रहे हैं सामान, बर्तन वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। इस खाली एरिया को घूमने के लिए आप लोग को खाली 4 से 5 दिन चाहिए, जो कि एक दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो पाएगा। ये मार्केट काफ़ी दूर तक के फैली है, चौक मार्केट यहाँ की कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, दिल्ली लखनऊ जैसे बड़े शहरों के ही तरह है, जो कि बहुत अच्छी है मार्केट। यहाँ पे हर तरीके का, हर रेट का, हर चीज़ का मतलब अवेलेबल। तो गाइस, हमारे शहर की जो मार्केट है ना, वो दूर दूर तक के मशहूर है, क्योंकि ना यहाँ की जैसी मार्केट कहीं भी नहीं पाई जाती है, जो कि आप लोग को एक ही जगह पे हर तरीके का सामान मिल जाए, ऐसा नहीं कहीं पॉसिबल है। देखिए, चिकनकारी भी कपड़े हैं यहाँ पर, जो कि लखनऊ के सबसे फेमस होते हैं वो भी हैं, और हर सारी चीज़ें हैं। और इतनी बड़ी मार्केट में रेस्टोरेंट होटल्स भी बहुत सारे हैं, जो कि आप लोग शॉपिंग करें, खाएं, पिएं, हर चीज़ का इंतज़ाम है। होटल का भी है और होटल के बाहर भी खड़े होकर अगर चाट टिक्की खाना चाहते हैं तो उसका भी इंतज़ाम है। और ये मार्केट मैं थोड़ी घूमने गई हूँ, फिर भी मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर आने वाले पार्ट 3 में मैं आप लोग को इसका पूरा कम्प्लीट दिखाऊँगी, जो कि मेरा ये आज पार्ट 2 है और अब मैं पार्ट 3 भी डालूँगी इसके बाद। और ये देखिए, यहाँ खाने का ये भी था, चॉकलेट वगैरह के साथ रेस्टोरेंट दोनों चीज़ अवेलेबल।